हम बीमार क्यों होते हैं एक ऐसा सवाल है जिससे पूरी दुनिया में बसने वाले जितने इंसान हैं वो सब परेशान हैं और वो हम बीमार क्यों होते हैं इसको लेके मेरे मोहतरम भाई और बहनों दिन रात सोच में पड़ा हुआ है कि मैं इस बीमारी से कब निकलूँगा इस बीमारी से मैं निजात कैसे पाऊँगा मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बीमारी कहाँ से आती है हमारे माशरे का ये अलमिया है कि लोग इलाज की फ़िक्र करते हैं वो ये जानना ही नहीं चाहते कि बीमारी कहाँ से आई अगर हम कुरान से देखें तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि तुम पे जितनी परेशानियाँ आती हैं मुसीबतें आती हैं बीमारियाँ आती हैं बीमा का सबक आई दही ये तुम्हारे हाथों की कमाई है मेरे मोहतरम भाइयों बीमारी गुनाहों का नतीजा है बीमारी गुनाहों का नतीजा है बीमारी दो वजह से आती है या इंसान के गुनाहों को माफ़ करने के लिए या इंसान के दर्जात को बुलंद करने के लिए मेरे मोहतरम भाई और बहनों हम बीमार क्यों होते हैं इसका एक बहुत बड़ा सबब गुनाह है और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज तक गुनाह की हकीकत को भी नहीं समझ सके गुनाह कहते हैं नेकी का ना होना एबसेंस ऑफ पॉजिटिवी इज़ द मीन्स नगेटिवटी हमारा रब चाहता है कि हमारा हर अमल पाकिजा हो जो अल्लाह सुबहान तला की इंस्ट्रक्शन है वही उसके अकॉर्डिंग हो और हमारा हर अमल प्यारे पैगम्बर जनाब महमद सल्ला वसलम के तरीक़े के मुताबिक हो जब हम अपने खालिक और मालिक के हुक्म को छोड़ देते हैं और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्ह वसल्लम के तरीक़े को फरामोश करके अपने मनपसंद और अपने पसंदीदा जो रस्म रवाज हैं उसको अपना लेते हैं तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों वक्त हम बीमार हो जाते हैं और बीमारी सबसे पहले यहाँ आती है प्यारे पैगंबर जनाब महमद सल्ला वसलम ने फरमाया इन आमाल बिनियात आमाल का दारोमदार नीयतों पे है सबसे पहले हमारी नीयत हमारी इंटेंशन हमारी सोच हमारा इरादा हमारा कसद जो हमारी तवज्जो है हमारा ध्यान है ये डिट्रैप होता है ये भटकता है मेरे मोहतरम भाई और बहनों शैतान हमें वसवसे क्यों देता है क्योंकि हमारा गुमान हमारा यकीन हमारा तवक्कल, वो अल्लाह से हटा के ऐसी चीज़ों पे लाना चाहता है मेरे मोहतरम भाई और बहनों जो हमें दोनों जहानों में नाकामी की तरफ लेके जाती हैं हम बीमार क्यों होते हैं उसके पीछे बड़ा सबब गुनाह है और गुनाह क्या है नेकी का ना होना जब हम नेकी छोड़ते हैं तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है जब दो गुनाह करता है दो दाग लगते हैं जब तीन गुनाह करता है तीन दाग लगते हैं हत्ता कि वह गुनाह करता जाता है करता जाता है और उसका दिल स्याह हो जाता है मेरे मोहतरम भाइयों ये गुनाह कहाँ लगते हैं ये दिल पर लगते हैं दिल क्या है मेरे मोहतरम भाई और बहनों ये दिल वही है जिसके बारे में कुरान ने हमें बताया अला बज़िक्र तत्तमाकलूब आगा हो जाओ तुम्हारे दिलों का जो इतमान है जो तुम्हारे दिलों का चैन है जो तुम्हारे दिलों का करार है वो अल्लाह की याद में है मेरे मोहतरम भाइयों दिल क्या है दिल हकीकत में ये जो हमारी हार्ट बीट है ये जो हमारी पल्पिटेशन है ये जो धक धक है मेरे मोहतरम भाई और बहनों ये दिल की जो धड़कन है ये एक्चुअल में रूह है ये दिल की फड़फड़ाहट रूह है और जब हम गुनाह करते हैं तो उस रूह पे दाग लगता है जब उस रूह पे दाग लगता है रूह को पता चल जाता है रूह जानती है क्योंकि वो इल्ली जीन से आई है अब उसके दाग लगने से वो जान गई कि इस इंसान ने जो काम किया है इस इंसान ने जो अमल किया है इसकी वजह से मैं वापस इल्ली जीन की तरफ दोबारा लौट के नहीं जा सकती बल्कि मुझे इस दाग की वजह से सि में जाना पड़ेगा जब रूह उस सिन के बारे में तसवर तो करती हैं तो रूह बेचैन हो जाती है बेकरार हो जाती है बेसकून हो जाती है मेरे मोहतरम भाई और बहनों रूह की बेचैनी बेकरारी बेसकूनी का नाम तबीयत की खराबी है और आज हम बीमार क्यों हैं क्योंकि हमारी रूहों के ऊपर वो दाग लग गए जिसको सिर्फ़ और सिर्फ हम एक चीज़ से साफ़ कर सकते थे और वो थी तोबा अगर हम तोबा करते तो ये लगे हुए सारे के सारे दाग धुल जाने थे तोबा हमारी रू के गुसल का नाम है आज रूहें स्याह हो गई इसी वजह से हम 10 10 साल 20 20 साल 30 30 साल 40 40 साल इवन के सारी ज़िंदगी दवाई खाते रहते हैं लेकिन तबीयत ठीक नहीं होती हमारी तबीयत ठीक क्यों नहीं होती क्योंकि मेरे मोहतरम भाई और बहनों प्रॉब्लम तो रूह में थी दाग तो रूह पे लगे थे इलाज किसका करना था रूह का करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने रूह को भूल दिया हम रूह को भूल गए हमने उसको फरामोश कर दिया और लग गए अपनी बॉडी को ठीक करने और हम चालीस साल से लगे हुए हैं पचास साल से लगे हुए हैं कि ये किसी तरह बॉडी ठीक हो जाए लेकिन बॉडी ठीक हो नहीं रही अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रूह के ऊपर लगे हुए दागों को साफ कीजिए और रूह को लगे हुए दागों से साफ़ करने का तरीक़ा सिर्फ़ तौबा है और इस तौबा के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में सत्तर बार तौबा करता हूँ और दूसरी रिवायत में फ़रमाया सौ बार तौबा करता हूँ मेरे मोहतरम भाई और बहनों अगर चाहते हैं आप सेहतमंद ज़िंदगी तनोमंद ज़िंदगी तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों तरीक़ा वही है जो चौदह सौ चौतालीस साल पहले प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वापस अपने दीन की तरफ़ लौटिए इस पैगाम का यही पैगाम है कि आप अपने असल की तरफ आइए अपने दीन की तरफ आइए अपने इस्लाम की तरफ आइए अल्लाह से दुआ करते हैं सबसे पहले अल्लाह सुबहान तौफीक दे कि हम जान सकें कि हम बीमार क्यों होते हैं बीमारी के पीछे सबब क्या है बीमारी कहाँ से आती है जब हम ये समझ जाएंगे तो इन रहमान इसका इलाज करना बहुत सहल है बहुत सहल है बहुत सहल है अल्लाह से दुआ करते हैं जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस अमल करने की तोफ़ी तफ़रमाए वमा अलैना मुबीन